हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से डील किया। सेक्शन 22 बेसिकली ये कहता है कि मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स हमेशा इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी एंड इट मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कि जो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स होंगी वेदर अंडर सेक्शन 9 विच इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, वेदर अंडर सेक्शन 10 विच इज जुडिशियल सेपरेशन, चाहे सेक्शन 13 का पिटीशन हो या सेक्शन 12 का पिटीशन हो, ये जो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स होंगी वो कोर्ट में एडवोकेट्स, पार्टीज के रिलेटिव्स इनके सामने ही कंडक्ट कराई जाएंगी और किसी पर्सन के पास ये राइट नहीं है कि वो इन प्रोसीडिंग्स के क्या जजमेंट रहे, कोर्ट ने क्या डिक्री पास करा, उसे कहीं भी प्रिंट या पब्लिश करे। तो सेक्शन 22 तक हमने डिटेल में बात कर लिया है। हिंदू मैरिज एक्ट का एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है विच इज सेक्शन 24, जो कि बेसिकली मेंटेनेंस, पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 25 में है परमानेंट एलिमनी। वहीं सेक्शन 24 में जिस मेंटेनेंस की बात हम करते हैं वो है टेम्पोररी मेंटेनेंस, एक ऐसा मेंटेनेंस अमाउंट जो कि कोर्ट ऑर्डर करता है और जो तब तक दिया जाता है जब तक प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी। यानी ये जो मेंटेनेंस होगा वो टेम्पोररी बेसिस पर होगा और तब तक के लिए पेबल होगा जब तक प्रोसीडिंग्स चलता रहेगा। एक बार प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाता है, कोर्ट अपनी डिक्री पास कर देती है, तो मेंटेनेंस अमाउंट पेबल नहीं होगा। फिर जो मेंटेनेंस अमाउंट कोर्ट ऑर्डर करेगी वो होगा सेक्शन 25 में, जो कि है परमानेंट एलिमनी विच इज लंप सम अमाउंट पेबल टू द पेटिशनर, राइट। तो सेक्शन 24 मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो पेंडेंट लाइट मीन्स ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट। यानी पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अगर कोई भी पिटीशन प्रेजेंट किया जाता है इधर बाय हस्बैंड और बाय वाइफ, तो दोनों के पास ये राइट है कि वो उस प्रोसीडिंग्स में जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उनके लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। कोर्ट मेंटेनेंस अमाउंट को डिसाइड करते समय कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेगी जिसे अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो एक ये मेंटेनेंस है विच इज टेम्पोररी मेंटेनेंस, जो कि कोर्ट पार्टीज को हेल्प करने के लिए कि वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस को बियर कर सके, क्योंकि अगर कोर्ट में कोई शूट फाइल किया जाता है तो कई सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे जो काउंसिल है उसे टाइम टू टाइम फीस देना होगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, राइट, इसका भी खर्चा है, और टाइम टू टाइम आपको कोर्ट फीस पे करना होता है तो ये भी एक खर्चा है, और
क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में अब तक जो रिलेशन था वो स्वीट रिलेशन था, दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते थे। अब क्योंकि इन दोनों के बीच पहले जो रिलेशन था अब नहीं है, सपोज करो कि इन्होंने सेक्शन 9 या सेक्शन 10 या सेक्शन 12 या 13 इनमें से किसी एक में पिटीशन फाइल किया। सपोज करो कि हस्बैंड या वाइफ ने सेक्शन 10 का पिटीशन फाइल किया है, विच इज जुडिशियल सेपरेशन, एक दूसरे से जुडिशियली अलग रहना चाहते हैं कुछ समय के लिए, राइट। तो सपोज कि जो हस्बैंड है ये अच्छा अमाउंट अर्न करता है, जबकि वाइफ सी इज नॉट अर्निंग वाइफ, ये हाउस वाइफ है और ये घर के काम को किया करती थी। तो जब तक ये दोनों साथ थे तब तक हस्बैंड वाइफ के डिमांड्स को फुलफिल करता था, इसके एक्सपेंसेस को बियर करता था। लेकिन चूंकि अब दोनों कुछ समय के लिए अलग रहना चाहते हैं, तो हस्बैंड तो अर्निंग पोजीशन में है, ही कैन इजिली मेंटेन हिमसेल्फ क्योंकि ये सफिशियंट अमाउंट अर्न करता है। लेकिन वाइफ इसका क्या, ये तो अर्न नहीं कर रही। तो जो प्रोसीडिंग्स होंगी उन प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराने में खर्चे हैं, लिटिगेशन एक्सपेंसेस हैं, एडवोकेट को फीस देना है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं और इसे अपना खर्चा भी निकालना है, बट सी इज नॉट अर्निंग। तो ये सेक्शन 24 का एप्लीकेशन देकर के दौरान मुकदमा खर्चा बहाल करा सकती है कोर्ट से, और यही सेम चीज लागू होता है हस्बैंड पर। यदि हस्बैंड फिजिकली इनफॉर्म है यानी डिसेबल्ड है या ये अर्निंग नहीं कर रहा है और वाइफ ने पिटीशन फाइल कर दिया है डाइवोर्स का या सेक्शन 9 का, तो हस्बैंड इज नॉट अर्निंग, तो ये भी क्या कर सकता है, उस प्रोसीडिंग्स में जो भी खर्चे होंगे उन खर्चों के लिए वाइफ के अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है, खर्चा का एक्सपेंसेस को लेने के लिए, ताकि जो लिटिगेशन का कॉस्ट है उसे वो बियर कर सके। तो बेसिकली सेक्शन 24 में जो मेंटेनेंस कोर्ट ऑर्डर करती है वो हस्बैंड और वाइफ के अर्निंग कैपेसिटी को देखते हुए, राइट। और ये जो मेंटेनेंस होगा ये कहलाएगा इंटरिम मेंटेनेंस, टेम्पोररी मेंटेनेंस। और एक बार जो पिटीशन है वो डिस्पोज हो जाता है तो इस मेंटेनेंस का कोई एनफोर्समेंट नहीं होगा, उसी दिन ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो यानी जो नॉन अर्निंग स्पाउस है वो इस सेक्शन के तहत लिटिगेशन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए और अपने नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए एक एप्लीकेशन दे सकती है या दे सकता है, और कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर कर सकता है तब तक के लिए जब तक कोर्ट फाइनल डिग्री पास नहीं कर देता है, क्योंकि जो लिटिगेशन होगा, जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो एक दिन का नहीं है, दो दिन का नहीं है, साल भर चलना है, दो साल चलना है, तीन साल चलना है। तो तब तक एक नॉन अर्निंग स्पाउस कैसे उस एक्सपेंसेस को बियर करेगा, तो बेसिकली उसके उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर देता है, राइट। अब सेक्शन 24 में ये नहीं कहा गया है कि क्या अमाउंट होगा मेंटेनेंस का अंडर सेक्शन 24, तो ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है कि कोर्ट कई फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए उस मेंटेनेंस अमाउंट को फिक्स करेगा, जैसे हस्बैंड का क्या इनकम है,
वाइफ, वेदर वाइफ इज अर्निंग और नॉट। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए कोर्ट मेंटेनेंस अमाउंट को डिसाइड करेगी। ये जो मेंटेनेंस होगा वो उस दिन से पेबल होगा जिस दिन एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा, राइट। तो जिस दिन आपने मेंटेनेंस पाने के लिए अंडर सेक्शन 24 एप्लीकेशन फाइल किया, उस दिन से ये अमाउंट पेबल होगा, राइट। अब जैसे मान लो हस्बैंड ये क्लेम करता है कि वाइफ के पास पोटेंशियल है काम करने का, वाइफ इज वेरी मच एजुकेटेड और वो चाहे तो कहीं भी जॉब ले सकती है, लेकिन वो जॉब नहीं करती है, तो ये कोई फैक्टर नहीं होगा जो किसी भी वे में मेंटेनेंस के अमाउंट को अफेक्ट कर सके, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वेदर वाइफ इज अर्निंग और नॉट, क्या वाइफ इस समय अर्न कर रही है या नहीं कर रही, भले ही उसके पास पोटेंशियल है लेकिन करेंटली सी इज नॉट अर्निंग, तो मेंटेनेंस अमाउंट पे कोई इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो नॉन अर्निंग स्पाउस है उसे एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके ताकि वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस को बियर कर सके और खुद को मेंटेन कर सके, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, तो आप ऐसे कह सकते हो कि सेक्शन 24 में ये प्रावधान किया गया है, मेंटेनेंस अलाउंस व्हिच इज अवार्डेड टू द स्पाउस अगेंस्ट अदर स्पाउस कंसीडरिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ टू मीट लिटिगेशन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ शूट known as interim maintenance or maintenance pendant light, ठीक है। तो सेक्शन 24 अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, यानी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, कोई भी सूट फाइल किया जाता है, whether restitution of conjugal rights का सूट है या जुडिशियल सेपरेशन का सूट है या वॉइडेबल मैरिज का सूट है या डाइवोर्स का सूट है, जब तक वो सूट पेंडिंग में है, यानी जब तक कोर्ट ने फाइनल डिक्री पास नहीं कर दिया या जजमेंट डिलीवर नहीं कर दिया, उस बीच मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगा सकती है पार्टी, चाहे हस्बैंड लगाए या वाइफ लगाए, तो दोनों को लिबर्टी है, दोनों में से कोई लगा सकता है अगर वो फाइनेंशियली इनकैपेबल है उस लिटिगेशन कॉस्ट को बियर करने में। अब यहां कोर्ट ये देखेगी कि जो एप्लीकेंट है क्या उसका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है। कोर्ट विल ऑर्डर रेस्पोंडेंट टू पे पेटिशनर एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, कोर्ट जो है रेस्पोंडेंट को ऑर्डर करेगा कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करोगे इसे हर महीने के इस तारीख को, ताकि वो आसानी से लिटिगेशन एक्सपेंसेस को बियर कर सके और खुद को मेंटेन कर सके। कभी भी आपने कोई शूट फाइल किया है,
इस एक्ट के अंदर, वेदर अंडर सेक्शन 9, 10, 12 और 13। तो सेक्शन 24 में खर्चा बहाली के लिए आप सेपरेट सूट नहीं फाइल करोगे, आप उसी प्रोसीडिंग में, चाहे सेक्शन 9 का था या 10 का था या 13 का था, उसी में इस मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हो, इसे मांग सकते हो रिलीफ के तौर पे, राइट। ग्राउंड क्या है? कोर्ट ये देखेगी कि जो एप्लीकेंट है क्या उसका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है। कंसिडरेशन क्या होगा? कोर्ट सेक्शन 24 में मेंटेनेंस के अमाउंट को फिक्स करते समय ये देखेगी कि दोनों पार्टीज का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उनकी अर्निंग कैपेसिटी चेक करेगी कि एप्लीकेंट सच में अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब एक केस है हमारे पास, विच इज करिश्मा प्रसाद मंडल, करिश्मा प्रसाद मंडल वर्सेस सविता देवी। इसमें क्या था कि सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत पिटिशन फाइल किया गया था, तो वहां यह कहा गया कि अगर आपने सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत पिटिशन फाइल किया है, सेक्शन 18 क्या कहता है, सेक्शन 18 कहता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, यानी वाइफ ने हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 18 में मेंटेनेंस के लिए कोई पिटिशन फाइल कर रखा था, तो उस दौरान वाइफ को सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करेगी कोर्ट, राइट। क्यों? क्योंकि अभी हमने जाना कि सेक्शन 24 का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप सेक्शन 9 या 10, 12, 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पिटिशन आपने फाइल कर रखा है। अगर किसी अदर एक्ट के तहत आपने पिटिशन फाइल कर रखा है तो वहां पे आपको सेक्शन 24 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये केस था हमारा करिश्मा प्रसाद मंडल वर्सेस सविता देवी। और एक चीज ये भी है कि मान लो वाइफ ने पार्टीशन सूट फाइल कर रखा और वाइफ चाहती है कि ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स उसे टेम्पोररी बेसिस पर कुछ मेंटेनेंस अमाउंट मिलता रहे ताकि वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस को बियर करती रहे, तो यहां भी वो सेक्शन 24 का बेनिफिट नहीं ले सकती है, क्योंकि जो पार्टीशन सूट है वो सिविल सूट है, ना कि कोई सूट है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, राइट। तो आई होप कि सेक्शन 24 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम वेयर एक्ट देख लेते हैं कि वेयर इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, साफ साफ कहा गया है इस एक्ट के तहत अगर कोई प्रोसीडिंग्स चलाया जाता है, इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट, और कोर्ट को यह पता चलता है, इधर द हस्बैंड या हस्बैंड या वाइफ एज द केस मे बी हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम, उसके पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके, या प्रोसीडिंग्स में जो भी एक्सपेंसेस आएंगी उनको वो बियर कर सके, इट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वाइफ, तो वाइफ के एप्लीकेशन पर या हस्बैंड के एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर सकती है रिस्पोंडेंट को कि वो पेटिशनर को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करे मंथली, ताकि जो पेटिशनर है वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस को बियर कर सके और खुद को मेंटेन कर सके। आगे कहा गया है, हैविंग रिगार्ड टू द पेटिशनर्स ओन इनकम, यहां पर मेंटेनेंस अमाउंट को डिक्लेयर करते समय कोर्ट पेटिशनर के इनकम को देखेगी और रेस्पोंडेंट के भी इनकम को देखेगी,
और दोनों के इनकम को एनालिसिस करने के बाद उसे जो भी ठीक लगे वो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फिक्स करेगी। जनरली जो अमाउंट होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 5000 6000 पर मंथ होगा, राइट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में यही अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस होता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, जो कि मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है, उस बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। आगे कहा गया है प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड सच मंथली सम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस मे बी। तो जिस दिन एप्लीकेशन फाइल किया गया फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24, उसी दिन से मेंटेनेंस अमाउंट पेबल होगा। लेकिन जिस दिन कोर्ट रेस्पोंडेंट पर नोटिस सर्व करेगी कि आपके खिलाफ इसने ये मुकदमा दायर कर रखा है और जो नोटिस जिस समय नोटिस रेस्पोंडेंट पर कोर्ट सर्व कर देगी उस दिन से विद इन 60 डेज 60 दिनों के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन को यानी सेक्शन 24 के एप्लीकेशन को डिस्पोज करना है कोर्ट को, यानी जल्द से जल्द मेंटेनेंस अमाउंट को फिक्स करेगी कोर्ट, ताकि पेटिशनर एप्लीकेंट अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सके और मुकदमा लड़ सके। तो इसके बारे में जिस दिन रेस्पोंडेंट को कोर्ट नोटिस सर्व करेगी उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर मेंटेनेंस के अमाउंट को डिक्लेयर कर देगी, राइट। अब देखो नोट्स में कुछ केसेस हैं, जैसे दिनेश कुमार वर्मा वर्सेस सुमन वर्मा, इसमें कहा गया है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 द कोर्ट हैज टू कम टू द कंक्लूजन दैट एप्लीकेंट हैज नो सोर्स ऑफ इनकम टू सपोर्ट हरसेल्फ हिमसेल्फ। सेक्शन 24 में कोई एप्लीकेशन दिया जा रहा है तो कोर्ट इस चीज को कंसिडर करेगी कि जो एप्लीकेंट है अगर वाइफ है तो उसका कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट इनकम ना हो, या अगर हस्बैंड है तो उसका कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट इनकम ना हो, एंड द इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट इनकम ऑफ प्लेंटिफ इज नॉट एसेंशियल टू मीट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑर्डर ऑन द एप्लीकेशन। तो अगर इंडिपेंडेंट इनकम होता भी है तो वो किसी भी प्रकार से अगर ऑर्डर हो गया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। आगे कहा जा रहा है कोर्ट हैज गॉट नो ज्यूरिसडिक्शन टू असेस द कंडक्ट ऑफ एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ कंसिडरिंग एंड अवॉर्डिंग मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट। सेक्शन 24 के तहत अगर कोर्ट मेंटेनेंस के अमाउंट को डिसाइड कर रही है, अवार्ड कर रही है, तो उस समय एप्लीकेंट के कंडक्ट को एनालाइज करने का कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है। एंड द कंडक्ट ऑफ एप्लीकेंट मे बी कंसीडर्ड, लेकिन यही अगर सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमनी के अमाउंट को कोर्ट डिसाइड करती है तो वहां पे एप्लीकेंट के कंडक्ट को एनालाइज कर सकती है, उसे जो है एसेस कर सकती है, देख सकती है। आगे कहा गया है
कि अगर वाइफ ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस पिटीशन फाइल कर रखा था और वो मेंटेनेंस पिटीशन कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो किसी भी प्रकार से अगर सेक्शन 24 में वाइफ एप्लीकेशन लगाती है तो उसे किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं किया जाएगा, राइट? वहां पे उसे मेंटेनेंस मिल सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हम नॉन अर्निंग स्पाउस को सपोर्ट कर सके, कि वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस को बियर कर सके और जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो पिटिशंस चल रही हैं, उन्हें वो अच्छे से लड़ सके। तो अगर 125 सीआरपीसी में जो पिटिशन था वो डिसमिस हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ सेक्शन 24 में एप्लीकेशन नहीं लगा सकती है। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी केवल और केवल वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के मेंटेनेंस की बात करता है, लेकिन सेक्शन 24 में जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो यहां पे हस्बैंड को भी राइट है कि वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स मेंटेनेंस अमाउंट क्लेम कर सकता है टू बियर लिटिगेशन एक्सपेंसेस इफ ही इज नॉट अर्निंग स्पाउस, और वाइफ को भी क्या है, राइट है। लेकिन सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में केवल और केवल वाइफ को राइट है टू क्लेम मेंटेनेंस, ठीक। आगे कहा गया है कि डिक्री फॉर परमानेंट एलिमनी फॉर अ लम सम अमाउंट टू बी पेबल इन इंस्टॉलमेंट, कि जो परमानेंट एलिमनी की डिक्री है अगर वो पास हो गई है और परमानेंट एलिमनी का जो अमाउंट है कोर्ट ने फिक्स कर दिया है और वो इंस्टॉलमेंट में पे करना है, जनरली इंस्टॉलमेंट में ही पेबल होता है परमानेंट एलिमनी का अमाउंट, राइट? और पार्टीज के बीच जो मैरिज थी वो डिसॉल्व हो गई है, कोर्ट ने उसे डिसॉल्व कर दिया है, तो अब पार्टी के पास ये राइट्स हैं कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं एज पर दियर चॉइस, और इन केस अगर वाइफ दूसरी शादी करती है तो ये अनकंडीशनल है कि उसे परमानेंट एलिमनी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने दूसरा विवाह कर लिया। अगर वो दूसरा विवाह करती भी है तो भी परमानेंट एलिमनी का जो अमाउंट होगा वो उसे मिलेगा, लेकिन अगर जो अमाउंट था वो इंस्टॉलमेंट में पेबल था और कुछ इंस्टॉलमेंट उसे मिल गया था, कुछ इंस्टॉलमेंट बचा था, और वो दूसरा शादी करती है, इट विल नॉट कंटिन्यू आफ्टर द मैरिज परफॉर्म्ड बाय वाइफ, तो अब उसे जो मेंटेनेंस अमाउंट बचा हुआ था परमानेंट एलिमनी के फॉर्म में उसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने सेकंड मैरिज परफॉर्म कर लिया, राइट? तो ये था सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।